एक तरफ जहां आढ़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने एमएसपी पर होने वाली धान की खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद है कि जल्द ही आढ़तियों का मामला निपट जाएगा और किसानों की फसल की खरीद शुरू कर दी जाएगी। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार ने बताया कि पीआर धान की खरीद 2040 प्रति क्विंटल की जाएगी। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मंडी में खरीद शुरू होगी। जी, जो गवर्नमेंट की परचेज एमएसपी पे होती है उसकी सभी तैयारियां सरकार के दिशा निर्देश अनुसार हम कर चुके हैं जी। अब तो सिर्फ एजेंसी भी आ चुकी है, सिर्फ माल आते ही खरीद शुरू करवाने की देर है। हमारी तरफ से सब कुछ तैयारी है जी। क्या क्या तैयारी किसान? जैसे किसान को ऑनलाइन गेट पास इशू करना है, फिर डेयरी डालने के लिए क्राउड शेड हैं, वैसे साफ सफाई की व्यवस्था है, टॉयलेट, पीने के पानी की व्यवस्था, ये सब कर चुके हैं हम। लाइट की व्यवस्था जैसे है, सब कुछ है हमारे पास। 8 दिनों से लंबी हड़ताल के बाद आज आढ़ती एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल खत्म कर दी है, जिसके बाद अब सभी अनाज मंडियों में काम सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। प्रदेश भर में आढ़ती अपनी मांगों को लेकर अनाज मंडियों में कामकाज ठप कर हड़ताल पर थे। सरकार द्वारा ई नेम पोर्टल में बदलाव और परमाल धान प्रति क्विंटल 30 करने की मांग को मान लिया गया है, जिसके बाद इस लंबी चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। फैसला आज हड़ताल ख़त्म हो गई है। हमारी कई मांगे थी, तो सरकार ने उसमें से 2 मांगे मान ली हैं। अब देखते हैं अभी आगे की बात। कौन सी रहेगी मांगे? मांगे रहेगी हमारी जो कमीशन की मांग थी 2.5% की, वो सरकार ने अभी नहीं मानी है। सीमांत किसानों का मुद्दा था, वो भी नहीं माना है अभी। 4 में से 2 चीज़ें कुछ कम की हैं। कौन कौन सी माननी है सरकार ने? सरकार ने एक तो ई नेम प्रणाली हटा दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गांव निंदाना की छात्राओं ने स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर स्कूल के मुख्य गेट पर ताला चढ़ दिया। छात्राओं ने व अभिभावकों सहित ग्रामीणों ने स्कूल के गेट के सामने प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी को छात्रों ने खरी खरी सुनाई। छात्रों ने बताया कि हमारे सरकारी स्कूल से अध्यापकों का तबादला कर दिया गया, जिससे मुख्य विषय पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं रहे। मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी आदि विषयों के अध्यापक ही नहीं रहे स्कूल में। ये हमारे स्कूल में मतलब सब्जेक्ट के टीचर नहीं, इसलिए किया गया। कौन सा सब्जेक्ट? साइंस, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी और ड्राइंग। ये किस टाइम से समस्या चल रही है? ये सर बहुत टाइम से है, शायद 2-3 साल हो गए। इसकी डिमांड वगैरह आपने कहीं पहले उठाई स्टाफ के प्रिंसिपल के साथ? नो सर, मतलब कहा गया था बट उन्होंने मानी नहीं। वो बोला था साइंस के टीचर के लिए बोला था कि जब अभी ट्रांसफर हुए थे तभी बोला गया था कि साइंस के टीचर आएंगे, 10 दिन का हमें टाइम दिया गया था, लेकिन अब तक 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अब तक कोई टीचर नहीं आया है। लास्टली ये जो तालाबंदी की है, फिर इसका क्या रीज़न रहेगा आगे? हम चाहते हैं कि मतलब हमारे स्कूल में टीचर आए, हम तभी यहाँ से उठेंगे जब हमारे टीचर मतलब पूरे आ जाएंगे। नवरात्रों के दिनों में मंदिर के आगे सफाई करना तो दूर की बात, कई दिनों से लगे गंदगी के ढेरों का उठान नहीं हो रहा, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में भारी रोष है। वार्ड नंबर 7 के शीतला माता मंदिर है, वहां पर मंदिर के साथ 2 गर्ल्स स्कूल्स हैं, जहां जमा गंदगी के ढेरों पर काफी बदबू आती है। छात्रों का कहना है कि उन्हें आते जाते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान उन्हें गंदगी के ढेरों से काफी बदबू आती है। शहर के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने कूड़े के ढेरों का जल्द ही उठाया नहीं तो वहां बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं जब उन्होंने नगर पालिका सचिव से बात करनी चाहिए तो वो नगर पालिका में नदारद मिले और फोन भी उनका स्विच ऑफ था। और जब भी हम यहाँ पे स्कूल में आते हैं तो रास्ते में इतनी गंदगी होती है ना, मैं आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, इतनी बदबू आती है। और वहाँ पे जो जानवर होते हैं ना, वो जो भी पशु होते हैं, वो ऐसे उस गंद को खिलारते रहते हैं, और जैसे ही हम वहां से आते क्रॉस करते हैं तो ऐसा डर रहता है कि वो हमें कहीं चोट ही ना पहुंचा दे। बहुत ज्यादा गंदगी होती है और आज अभी तक सफाई नहीं हुई, और हम आते जाते इतनी बदबू आती है, सभी हमें क्या, सभी लोगों को जो वहां से आते जाते हैं सबको ही इतनी बदबू आती है। ये बहुत दिन से हो रहा है, एक बार भी सफाई नहीं हुई है, तो देख लो अब क्या हाल है। महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम ने नौकरी लगवाने के नाम पर रुपए ठगने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विजयवासी शंकर बाड़ी थाना विश्वकर्मा जयपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को वृंदावन यूपी से गिरफ्तार किया।
आरोपी ने एमईएस आर्मी में नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपए ठगे थे। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। इससे पहले पुलिस द्वारा मामले में एक आरोपी रविंद्र वासी सहलग को गिरफ्तार कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। ये कमलेश है, वाइफ ऑफ प्रेम सिंह सुरजनवास। इन्होंने शिकायत दी थी कि मेरे बेटे विकास को आर्मी में लगाने के लिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए ले लिए हैं, जिसके ऊपर अभियोग अंकित करते हुए तफ्तीश अमल लाई गई। तो इसके दौरान तफ्तीश के दौरान एक शख्स है रविंदर सोनोपुर रामता रामेश्वर निवासी सेलंग, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत उसका 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। उसकी पूछताछ में एक विजय अग्रवाल है निवासी जयपुर, उसको अभी अरेस्ट किया गया है, अदालत में पेश किया जाएगा, उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। जो भी आगे तफ्तीश में आएगा आपको। अब तक एक आरोपी को पकड़ा है? अब 2 आरोपी हो चुके हैं, एक रविंदर एक विजय अग्रवाल, जिसको अभी रात को अरेस्ट किया है, अदालत में पेश किया जाएगा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।